खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? वो आगे सक्सेशन प्लान भी बताने लगे, यानी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। लोकसभा चुनाव के अभी 4 चरण बाकी हैं और इसके लिए दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जो जेल से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर जबरदस्त हमले बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच में यह है कि अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनावी रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। बड़ी खबर, आज केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई है। केजरीवाल के घर पर पार्टी विधायकों की आज बैठक होनी है और आज केजरीवाल दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे। शाम 5 बजे नई दिल्ली में रोड शो करेंगे और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शाम को 7 बजे फिर पश्चिमी दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो आज 24 के रन में जो केजरीवाल का एक्शन प्लान है, आपको अब हम विस्तार से बताने जा रहे हैं क्या आज करने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। देखिए, बैठक करेंगे विधायकों के साथ और ये बैठक उनके घर पर होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में क्या रणनीति रहे, इस पर विचार विमर्श होगा। बीजेपी को कैसे घेरा जाए, इस रणनीति पर भी केजरीवाल अपने विधायकों के साथ अपने घर पर ही विचार करने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। रोड शो 2 करने वाले हैं, कहां कहां पर देखिए। दूसरा जो रोड शो होगा शाम को 7 बजे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर होगा और जो पहला रोड शो होगा वो शाम को 5 बजे नई दिल्ली लोकसभा सीट पर होगा। तो 2 रोड शो भी करेंगे आज अरविंद केजरीवाल। और क्या विशेष है आज पूरे दिन में अरविंद केजरीवाल के पास, ये हम जानते हैं मधिया खान से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधिया, मैंने जो मोटा मोटा जो कार्यक्रम है उनका, रोड शो का और मीटिंग का, वो तो बता दिया, इसके अलावा अगर कोई बहुत विशेष इनपुट आपके पास है तो दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल आज विधायकों के साथ बैठक लेने वाले हैं, तो अब से कुछ देर में जो विधायक है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुँचेंगे और उसके बाद क्या कुछ बातचीत विधायक बाहर आके करते हैं या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर में। विधायकों से मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ खास बात अरविंद केजरीवाल कहेंगे, इस पर नज़र रहेगी। उसके अलावा 2 रोड शो आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। एक रोड शो जो है वो नई दिल्ली इलाके में मोतीनगर में रहने वाला है, दूसरा रोड शो जो है उनका वो उत्तम नगर में रहने वाला। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जब से बाहर आए हैं जेल से, तब से उनकी कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच रहें, लोगों के बीच रहें, क्योंकि चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना और उसके बाद अभी दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ है, 25 मई को दिल्ली में मतदान है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पूरी ये कोशिश है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है उन सीटों पर बढ़ चढ़ कर वो हिस्सेदारी ले और साथ ही साथ जो रोड शो कर रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिसमें खास तौर से मौजूद रहे, कल भी 2 रोड शो उन्होंने किए हैं जिसमें साथ में भगवंत मान भी रहे हैं, तो उसमें उनकी कोशिश यही है कि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा अपनी बात जो है वो सामने रखें। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, कल भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 1 बजे पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के, वहां पर भी उन्होंने लगातार पीएम मोदी पर साफ तौर से कई आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर साफ तौर से कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो जाहिर सी बात है पूरी कोशिश यही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, कि अपनी पार्टी की यूनिटी दिखाएं, एक शक्ति प्रदर्शन सा करें और उसके अलावा लोगों के बीच, चुनाव के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इसके अलावा आज विधायकों से क्या कुछ बातचीत करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अंतरिम बेल में जो शर्तें थी उस हिसाब से ना तो वो सचिवालय जा सकते हैं और ना ही सीएम ऑफिस में वो विजिट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर विधायकों को बुलाया है। और जाहिर सी बात है इतने वक्त में क्या कुछ हुआ है, इतने वक्त में किन किन इलाकों में क्या कुछ चल रहा है, पूरी
दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी वो विधायकों से लेंगे और आगे कुछ अहम फैसले जो हैं उस पर डिस्कशन वो जरूर अपने विधायकों से करेंगे। रणनीति पर भी वो और इसके अलावा चुनाव को लेकर एक नीति जो है एक लॉन्ग टर्म रणनीति जो है उस पर भी विचार करेंगे। बढ़िया, ठीक है बढ़िया, आपने जो जानकारियां दी उसके बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, केजरीवाल के उस बयान की बात करेंगे जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो पीएम कौन बनेगा, इस पर सियासत गर्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त हमला बोला है। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। मदिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदिया, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया, ये अनुमान लगाया जाए कि आज भी इसी विषय पर चर्चा को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, इस जवाब पर फिर से अपनी बात कह सकते हैं केजरीवाल? देखिए, अभी तक जो समझ में आ रही है बात वो यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल जेल से बाहर आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या फिर लोगों को संबोधित करना कहें, उसमें उन्होंने बीजेपी पर वो अपने बयानों को लेकर बयानों से वो लगातार बीजेपी पर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं, तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि किसी तरह वो बीजेपी को घेरें। और कल भी उन्होंने यही किया और जाहिर सी बात है विधायकों की मीटिंग के बाद आज जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उनकी पूरी कोशिश यही है। क्यों? क्योंकि उनको ये भी दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव है, उसके बीच में वो बाहर आए हैं, तो उनकी कोशिश यह है किसी तरह से वो इन सीटों को जीतें, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात या कह सकते हैं कि जो भी उनके मन में है उसको बार बार लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं, लगातार अपने बयानों से वो घेरना चाह रहे हैं बीजेपी को। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने कल सीधा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया, उनको नाम लेके कई ऐसे बयान भी दिए हैं, और उसके अलावा आज ये देखना होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो दोनों रोड शो वो करेंगे उसमें क्या कुछ अहम बातें करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो उनको नजर आ रहा है वो उनको दिल्ली की सीटें नजर आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा की सीट नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश सिर्फ इस वक्त यही है कि वो जब बाहर आए हैं तो उसका भरपूर इस वक्त को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शर्तें उनकी जमानत में दी गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कोशिश है लोगों के बीच रहना, अपने विधायकों को एकजुट करना और उसके अलावा लगातार बीजेपी को वो घेरते हुए नजर हर बयान में आ रहे हैं, लेकिन आज वो क्या कुछ बयान देते हैं इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मदिया, इस पर नजर हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मदिया इन तमाम जानकारियों के लिए और इस बातचीत के लिए। और चूंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। बिहार ऐसे भी मोदी जी के साथ खड़ा है, डरे हुए हैं और डरे हुए इस बात पे हैं कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। मोदी जी कुछ भी करते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, कुछ भी करते हैं कहते हैं उसको कहते हैं कि इतिहास में पहली बार, दुनिया में सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा किसी राज्य को उन्होंने ठगने का काम किया तो वो बिहार है। एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इसके बाद पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी, और ऐसे में
बीजेपी ने बाकी चरणों के चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज दो राज्यों में हुंकार भरेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी 4 रैलियां करेंगे, फिर कल शाम को ही पीएम मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और बंगाल में ही 4 रैलियां वो करने वाले हैं। बंगाल में मेगा प्रचार को धार देने के बाद शाम को वो बिहार पहुंचेंगे और यहां पर पटना में बड़ा रोड शो करेंगे। आज शाम को बिहार की राजधानी पटना में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। थोड़ा और आपको विस्तार से बताते हैं इस धुआंधार प्रचार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के। क्या है आज का कार्यक्रम वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, सुबह 11:30 बजे बंगाल के बैरकपुर में रैली है, दोपहर 1 बजे बंगाल के हुगली में सभा है, दोपहर 2:30 बजे बंगाल के आरामबाग में चुनावी सभा है, फिर शाम को 4 बजे बंगाल के हावड़ा में रैली है, फिर शाम को 5:30 बजे बिहार के पटना में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज धुआंधार प्रचार, बंगाल में ही 4 रैलियां हैं, फिर शाम को वो बिहार पहुंचेंगे और पटना में एक रोड शो करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, यहां पर विस्तार से ये है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। आज शाम पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे और पटना में रोड शो करके प्रधानमंत्री मोदी इतिहास रचेंगे। पहली बार पटना में किसी प्रधानमंत्री को का रोड शो होने जा रहा है, ये इतिहास बनने जा रहा है। इस दृष्टिकोण से पहली बार पटना में किसी प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। शाम को 5:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजधानी पटना में एक रोड शो करेंगे। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने पटना में कोई रोड शो नहीं किया है, तो ये इस प्रकार से एक इतिहास होगा। पटना में ऐतिहासिक रोड शो करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, शाम को 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बिहार में 4 रैलियां करने के बाद, क्षमा करें, बंगाल में 4 रैलियां करने के बाद वो बिहार पहुंचेंगे और पटना में शाम को रोड शो करेंगे। तो आइए थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं इस रोड शो के बारे में, इसकी क्या तैयारियां हैं, ये किस प्रकार से ऐतिहासिक है, ये सब कुछ निधिश्री बताने जा रही है। पटना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अब उन्हीं का रुख करते हैं। जाहिर सी बात है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो नहीं किया है निधिश्री, और आज पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने जा रहा है, तो जबरदस्त तैयारियां होंगी वहां पर। बिल्कुल, देखिए पटना में पहली बार देश के कोई पीएम रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो गई है। जहां से रोड शो शुरू होंगे वहां मैं अपने सहयोगी सीके सिंह से कहूंगी कि ये तस्वीर दिखाए। सबसे पहले डाक बंगला चौराहा है और अक्सर इस चौराहे को बेहद भव्य बनाया जाता है क्योंकि इसी इलाके से रोड शो जाता है, और आज जब पीएम का रोड शो यहाँ से शुरू होगा तो ऐसे में यहाँ बकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, बैरिकेड्स आप चारों तरफ देख सकते हैं और ये तैयारियाँ पिछले कई दिनों से चल रही है। रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का होगा जो इसी रास्ते से आगे कदम कुआ होते हुए गांधी मैदान तक जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी, देखिए चौथे चरण से ठीक पहले ये रोड शो पटना में, दो लोकसभा सीटें हैं पाटलिपुत्र और पटना साहिब, दोनों के जो उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव, उनके लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद ठीक बाद वो हाजीपुर जाएंगे जहां चिराग पासवान एनडीए से उम्मीदवार है, और उसके बाद वहां से आगे सारण में राजीव प्रताप रूडी और आसपास के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी वोट ज़्यादा से ज़्यादा छटक जाए और 40 की 40 सीटें इस बार जीतने के उद्देश्य से पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगी क्योंकि जब मैं लाइव पर खड़ी थी तो मुझे ये शख्स मिले हैं और ये बैग वैग लेकर बकायदा पीएम मोदी के रोड शो के लिए दूसरे शहर से यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए पहले ये बताएं। आरा से आए हैं, आरा से, भोजपुर जिला। तो आपको पता था कि कितने बजे से रोड शो? टाइम मालूम नहीं था, गाड़ी का प्रॉब्लम था, हम सुबह चले आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, मान लीजिए पीएम मोदी से आपको बात करने का मौका मिलता है तो क्या कहेंगे? पहला तो सीनियर सिटीजन मिलना चाहिए, पहले मिलता था तो हम लोग हस्बैंड वाइफ चले जाते थे कहीं, अब थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, सोचना पड़ता रहा है, यही सब। हाँ। आपका क्या नाम है? शिव शंकर। रिक्शा चलाते? हाँ सर। पीएम मोदी इस इलाके से रोड शो करेंगे यहाँ से, उसको देखना चाहेंगे आप? हाँ सर देखें। कहना क्या चाहेंगे ये? कहना क्या चाहेंगे, हम कहेंगे हाँ खुश है सर। बीजेपी सरकार में काम ठीक हुआ है कि खराब जो है वो बताइए। ठीक है सर, सब ठीक है। और जरा मैं क्विकली कुछ और लोगों से बातचीत करती हूँ। यहाँ पर चूंकि बैरिकेड्स का काम जो है वो चल रहा है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं बांस बल्ला लगा करके इस इलाके को घेरने की तैयारी है, आगे रेलवे स्टेशन का इलाका है। आपका क्या नाम? मेरा मिथुन कुमार मंडल। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मतलब, पीएम मोदी अगर इस इलाके से आते और आपको बात करने का मौका मिलता है तो क्या कहें? क्या कहें, गरीबों का भला कीजिए सर।
ठीक है निधीश जी, आगे रोड पे उनको कमाने आगे बात था। एक बुजुर्ग आदमी थे, वो आरा से आए हैं, वो कह रहे सीनियर सिटीजन जो कंसेशन मिलता था वो उन्हें दोबारा मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका, आगे बढ़ेंगे। इस बीच विरोधी इस रोड शो पर भी निशाना लगा रहे हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहारी बुड़बक नहीं है, पीएम रोड शो क्या, चाहे गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक करें, इससे बिहार को क्या फायदा होगा। बिहार की जगह सब कुछ गुजरात में ही किया गया है और सब निवेश गुजरात में ही हुआ है। बिहार ने सड़क पर ला दिया है बीजेपी को, यह भी कहना है लालू प्रसाद यादव का। पोस्ट जो उन्होंने किया है यह रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखते हैं बोला था ना मैंने चीनी मिल खुलवा, इसी मिल की बनी चीनी की चाय पीऊंगा। मैं चीनी मिल खुलवा इसी चीनी मिल की चाय पीऊंगा, बरस हो गए, ये लिखते हैं लालू प्रसाद यादव। क्या हुआ तेरा वादा जो प्रधानमंत्री एक छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकता हो। आगे लिखते हैं लालू प्रसाद यादव अपने एक्स पर पोस्ट में, लिखते हैं जो प्रधानमंत्री एक छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकता हो, जो प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे से लेकर वर्षों में अपने बड़े बड़े आसमानी वादों में से एक रत्ती भर भी वादा पूरा न कर सका हो, जो प्रधानमंत्री अपने ही सहयोगी दल के मुख्यमंत्री द्वारा हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने पर भी बरस पुरानी। तो इस प्रकार से पोस्ट करके निशाना लगाया है लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर और उनके रोड शो पर चीनी मिल का उन्होंने जिक्र किया है, इस वादे को याद दिलाया है। तो ये लालू प्रसाद यादव का पोस्ट आपने देखा। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को नामांकन करेंगे। 14 मई को 4:40 पर नामांकन करेंगे। सबसे पहले सुबह 10:15 काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ चुके हैं, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं इस नामांकन से जुड़ी हुई। नीरज पांडे बताएं दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को 11:40 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री काल भैरव का दर्शन करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। कई लगातार बैक टू बैक उनका 2 दिन कार्यक्रम है। उससे पहले 13 तारीख को 5:00 एक बड़ा रोड शो करेंगे, आमतौर पर जैसा वो करते रहे हमेशा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन उनका नामांकन होता है उससे पहले एक रोड शो करते हैं, तो 13 मई को 5:00 उनका रोड शो शुरू होगा, जो लंका में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से शुरू होगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये रोड शो जाने वाला है। 14 मई को सुबह 10:15 से उनका पहला कार्यक्रम शुरू होगा। 10:15 वो काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद 10:45 पर एनडीए के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 11:40 पर प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 12:15 तक कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को प्रधानमंत्री के नामांकन कार्यक्रम के बारे में। और आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ, थोड़ी देर में केजरीवाल के घर पर बैठक है और बैठक के लिए पहुंच रहे हैं विधायक। आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर उस बैठक के लिए जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। बड़ी अपडेट